खौफ शास्त्रीपुरम वालों का नक्को रखो दिलों में, खौफ अल्लाह का रखो, देखो खुदा की कसम तुम्हारा कुछ नहीं होगा। एक ही वीक में, एक हफ्ते में बता रहा हूँ, 11 मर्डर हुए साउथ जोन में, साउथ जोन में। मैं मेरा नाम दिया लेके जाके, अरे फैसल भाई तुम कहीं को आ रहे हैं? अरे मैं बोला नहीं भाई आना पड़ता। एक हफ्ते में 11 मर्डर साउथ जोन में। मैं आपको इनक्लोज करता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पेपर के साथ देता हूँ अगर आप आ जाइए मेरे ऑफिस में। एक हफ्ते में 11 मर्डर, कहाँ गया क्वाड्रन सर्च आपका, कहाँ गया भाई मिशन चबूतरा, कहाँ चले गए आपका? सत्यनारायण साहब स्टार्ट कर रहे थे, अंबर किशोर जाड़ साहब तक आया, उसके बाद वो साहब अब आ गए, मुस्कुरा रहे खाली बैठ के टिफिन सीट पे। उतना स्टिक तो करिए, 400 राउडी शीट है मालूम, अंडर दी एज 35, शर्म आनी चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी को अपने आप को बोलते हुए। 400 राउडी शीटर्स साउथ जोन में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के, आंकड़ा कितना बैठता मालूम मीडिया वाले भाइयों मेरे? 36%। ताज्जुब की बात है भाई, वाकई ताज्जुब की बात है। खैर ये अल्लाह रहम करे हम लोगों पे, हैदराबाद के लोगों पे अल्लाह रहम करे। जो मैं देख रहा हूँ मैं उसका बात बताऊंगा, मैं तेलंगाना की बात नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तान भर की बात नहीं करूंगा, जो मैं देख रहा हूँ मेरे आंखों से मैं वो बोलूंगा। इतने खुला हो रहे हैं, इतने तल्लाखा हो रहे हैं माशरे में, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, इस पर अपने उलमाया नहीं बोलेंगे। 40 की 40 उलमाओं की टीम बनी, बिरयानी है, फॉर्चूनर है घर पे, मुंडिया दल्ली उमरा हो गए, क्या बोलते हो उलमाया और उलमाया दिन निके के खुतबे में क्या बोलते बोलता मेरे को क्या पूछ रहे हैं खान साहब बोला अभी मरफे से नाच नाच के ये पूरे दर्द हो रहे हैं, हमारे बाबा ऐसे मोटे हार की फूल की हार की बग्घी बनाए बद्दी बनाए, हमारे बाबा ऐसे मोटे फूल की हार की बद्दी बनाए, नहीं दिख रहा रहे भाई बहुत आखिरी वजन हो गया। खुतबे में क्या बोले रे भाई तेरे बोले अपन कबूल कबूल तीनों खुद बोल दिया, बरखास बिरयानी खाना खाया गया, तू पूछ रहा हूँ मेरे को? अरे बोला वाह। एज में जब भी अपन किसी की भी बेटी को करके लेके आ रहे हैं, किसी अपन किसी की से शादी कर ले रहे हैं, अपनी बहन जा रही घर से, एक ही तायीद करके भेजिए, मैं खुला ऐलान कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, एक ऐलान करके भेजिए कि भाई तुम हमारे भरोसे पे नहीं जा रहे हैं कहीं पर भी। अपनी बहन है तो ये बोलिए, तुम हमारे भरोसे पे कुछ भी हुआ तो भाई को फ़ोन करती हूँ, बहन को फ़ोन करती हूँ, भाई बाबा है ना हमारे पीछे, ये नक्को फ़ोन करो, तुम जा रहे हैं तुम किसी के घर को तो अल्लाह अल्लाह के रसूल के सुपुर्द जा रहे हैं। और किसी बेटी को अगर तुम करके लेके आ रहे हैं तो अल्लाह अल्लाह के रसूल के सुपुर्द लेके आ रहे हैं, उसके भरोसे लेके आ रहे हैं, तुम्हारे को उसके नसीब से रिस्क मिलने वाला तलख के। दंग रह जाता हूँ देख के मैं, बोला अल्लाह क्या शादी हुई 8 महीने में खुला, शादी हुई 6 महीने में खुला, और ऐसा आम कर लिए कि पूछो ना को शरे हिसाब से आपके फ़राइज। देखो भाई शादी कर रहे तो आप अपने फ़राइज जो है सो नौजवानों को बताइए कि भाई तू तेरी जरूर लेके आ रहा तो तेरे ये फ़राइज है, बेटे तुम तुम्हारे मर्द के घर को जा रहे हैं तो तुम्हारे ये फराइज है, मिजाजी खुदा होता तुम्हारा उसको जो बोलना है वो सुनना है तुम्हारे को, ये नहीं सिखा रहे। कुछ भी हुआ तो बेटे अम्मा को फोन कर, अम्मा कैसे गेम प्लानर पूरा सेट करते, अम्मा बाबा को चाबी फिराते, आइए अपनी बेटी मजबूती रहे वो कर रही जी ये कर रही जीवन, वहां से इन्हें भोगता। प्लीज हाथ जो के बोल रहा हूँ, प्लीज ये चीज को कम्युनिटी में अवेयर लेकर आइए। इससे ये चीज मैं क्यों लेकर आ रहा हूँ भाई, मौजू कुछ और है, मैं मौजू पे ये बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि भाई ये चीज ऐसी चीज है जिससे अपना अल्लाह नाराज होता, खौफ है अगर खुदा दिल में रहा ना ये चीज कभी जिंदगियों में नहीं हो। कॉलर चला के पहलवानी दिखाने से आप पहलवान नहीं बनते, ओल्ड सिटी के बच्चों को स्पेशली, कॉलर चला के मैं फलाना वो गली का वो, मैं फलाना लीडर का भतीजा वो, ये बोलने से पहलवान नहीं होते भाई। मेहनत करके अपने घर को चलाने वाला हमारी नजर में सबसे बड़ा पहलवान, अपने माँ बाप का फर्माबरदार हमारी नज़र में सबसे बड़ा पहलवान। डब्बों पे 6,000-6,000 रुपये का जो जो खर्चा चढ़े हुआ रहता है उन्हें क्या 10 रुपये डोनेट करेगा, 7,000 रुपये 17,000 रुपये 18,000 रुपये चढ़े हुए डब्बे पे खाली गुटकों के, बता रहा हूँ आपको। मैं बोला बाबा बाबा उन्हें 10 रुपये डोनेट करने को सोच रहा हूँ, अरे मेरे 17,000 रुपये वहाँ फेरना है, 10 रुपये कहाँ से दूँ? बल्कि आपको मालूम होना चाहिए सदका करने से आपके आने वाले मुसीबतें टल जाते मेरे भाई। करो मालूम आपको, नशा उस पाक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनके सुन्नत को निभाने का करो, जो नबी 1400 साल पहले यही उम्मत के नौजवानों के लिए रोए ठहर के, 1400 साल पहले वही नबी हमारे लिए हमारे आता उठा के रोए नो, क्या मालूम उनको, सब मालूम था गैब थे, सब मालूम था हमारे उम्मत का क्या हाल होने वाला है, 1400 साल पहले हमारे लिए रोए। उनका जलसा हुआ वो तो खत्म, 500 रुपये मिल जाते, वो फलाना भाई बुलाते नारे तकबीर अल्लाह अकबर 3 वक्त नारे दिए हदिया दिए चलते फिरते नजर आए खत्म मुसलमान। वहां पर नौजवानों का काम यही रह गया कि बस जलसों में आओ और नारा लगाओ। कायदीन कहाँ पैदा हुए भाई, अब तो हिंदुस्तान में कायदीन बना लेते हुए फिर रहे ना, हमारे शहर की क़यादत कहाँ गई ये बताइए। इलेक्शन जैसा आते भाई मैं यकीन न मानेंगे, सिटी की हालत इतने खराब है हमारे पूछो मत, इलेक्शन जैसा आते बस नौजवानों को गैदर करना
उनके नारों के लिए उनको इस्तेमाल करना बस, और कुछ भी नहीं। और जरा थोड़ा चिचोरा पना कर दिए तो बस खत्म, उसमें से तो निकल ही गए। जरा चिचोरा पना स्टेज पे ठहर के कदर, आप बिना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के तहत करे आप जो है जलसा आपका मुकर्रर होता ही नहीं। आप बात करो डेवलपमेंट की, आप बात करो एजुकेशन की, हर घर से एक बच्चा मुफ्त पढ़ला, सही बात है, सल्यूट है वो भी काम को आपके, हमारे कम्युनिटी से कोई नहीं करते, आप करते, सल्यूट है आपके काम की, क़यादत काम गई हमारी। तीन तीन चार चार मेंटेन कर रहे हैं भाई, ताज्जुब की तो ये बात है, तीन तीन चार चार गर्लफ्रेंड, मैं बोला आज तक नहीं पटी बाबा एक भी, एक भी नहीं पटी, बड़ी मुश्किल से पूरे जने बोलते स्मार्ट दिखता, कुछ भी नहीं है, पटरीच नहीं, टाइगर की भी देख लिया, तेरू कैसा पढ़ दे, चार चार मेंटेन कर रहा, जेब में 10 रुपये नहीं है खुदा की कसम, मगर बराबर रिचार्ज हो रहा उनको, बराबर वीडियो कॉलिंग्स हो रहे हैं, बराबर फिर एट ए टाइम वो क्या कि मैं देखा, मेरे आंखों से देखा, मैं तो यूथ का हूँ ना भाई, प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास इतने केस आते हैं, आप यकीन मत मानो, आप मेरी ऑफिस में आप चलिए, मैं फाइल्स बताता हूँ आप, इतने केस आते बता रहा हूँ, यकीन मत मानिए, मैं देख के ताजुब रहता हूँ, वो कौन सा कि ऐप निकले पे चारों को एक साथ ले हुए, अकेले कॉन्फ्रेंस पे फिर एक ही बात चारों को पहुँच रही, और टैलेंट बॉस, मैं बोला ये टैलेंट तुम अगर सही जगह इस्तेमाल कर लेते थे तो आज हमारी भी हैदराबाद से APJ अब्दुल कलाम पैदा होता था। तुम टैलेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, बट कैसे तरीके से वो तुम्हारे को मालूम।